नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में हनुमा विहारी ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की। हनुमा विहारी ने पहले तो बल्लेबाजी से सबका दिल जीता और अर्धशतक बनाकर अपनी टीम को मजबूत बनाया, और जब गेंदबाजी करने उतरे उस वक्त तो कमाल ही कर दिया और हर कोई देखता ही रह गया। हनुमा विहारी ने पहले तो कुक को अपना शिकार बनाया और उसके बाद रूट को भी पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें कि जब इंग्लैंड की दूसरी पारी में कुक और रूट की जोड़ी लगातार रन बना रही थी और भारतीय टीम की मुश्किलें खड़ी कर रही थी, तो उस वक्त जब मैदान पर हनुमा विहारी गेंदबाजी करने उतरे तो उन्होंने पहले तो रूट को शिकार बनाया और फिर कुक को आउट किया। हनुमा विहारी ने अपने टेस्ट डेब्यू से ही हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। हर कोई हनुमा विहारी की तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गजों तक हर कोई हनुमा विहारी को सलाम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हनुमा विहारी ने अपने पहले टेस्ट में डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया, तो वहीं दूसरी तरफ हर किसी की नज़रों में हनुमा विहारी छा गया है। तो अगर आपको भी लगता है कि हनुमा विहारी ऑलराउंडर है और वो लंबी रेस का घोड़ा है, तो कमेंट बॉक्स में हनुमा विहारी के लिए कमेंट ज़रूर करें।